बिग बॉस देख भी रही हूँ तो मैं सिर्फ वीकेंड का वार देख रही हूँ, वो भी सलमान साहब की वजह से। बाकी मैंने इससे पहले भी एक चीज़ बोली है कि बिग बॉस 11 में जो हम लोगों ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं की, और अभी भी मौका है, उन्हें खेलना चाहिए और बेस्ट टू बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, वो मेरे लेवल तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन खेल लें, थोड़ा खेल लें। बेस्ट एंटरटेनमेंट है जी। आपको क्या लगता है कौन अर्शी खान इस बार है? जी वहाँ पर कोई भी अर्शी खान नहीं है, अर्शी खान की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, अर्शी खान सिर्फ एक है, एक ही शख्सियत है, एक ही नाम है, एक ही इंसान है और एक ही रहेगा। आप वीकेंड का वार देखते हो, लेकिन आपको स्पेशल जी खुद बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा कौन सा सदस्य इस बार बिग बॉस 12 में? मुझे बिग बॉस 12 में अगर देखा जाए तो पूरा अगर मैंने देखा तो मुझे श्री संत बहुत सही लगे, बिकॉज वो सही खेल रहे हैं, जो है वो है सबके सामने, वो फेक नहीं है, उनकी लड़ाइयाँ भी बिल्कुल सही है, उनका बोलना भी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज़ गए हैं वो थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं, कॉपी जितने भी लोग हैं वो कॉपी कर रहे हैं कि मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं उसको कॉपी कर लूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिग बॉस वो जगह है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी शख्सियत बता सकते हैं, ना कि दूसरे के अडेप्ट करें। ये किस हद तक सच है कि किचन में रहने वाला जो सदस्य है वो फाइनल तक जाता है, क्योंकि लड़ाई किचन को लेकर चलती है बहुत। मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर की है कि शिल्पा शिंदे अगर शो की विनर बनी है तो उन्होंने रोटी के साथ इंटरटेनमेंट भी बहुत दिया है शो को, और ये सच बात है, मैं उनके साथ सबसे ज़्यादा रही हूँ कि उन्होंने अगर रोटियाँ बेली भी है लेकिन उसके साथ उन्होंने जो आड़े मारा भी है और जो आँखें निकाली हैं, उनका जो मतलब एक ह्यूमर